रियासत में पीडीपी कांग्रेस के बीच गठबंधन पर लगाए जा रहे कयासों पर गुलाम नबी आजाद ने विराम लगा दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर पीडीपी से गठबंधन नहीं करेगी। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने प्रदेश में हिंदू सीएम की एक बार फिर से मांग उठाई है। श्यामलाल ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रदेश में हिंदू सीएम नहीं बन सकता। साथ ही श्यामलाल अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर पर भी खूब बरसे। श्यामलाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस जम्मू के मुद्दों को उठाने में नाकाम रही है। राज्यपाल एनएन वोरा ने बड़गाम में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने जिले में चल रहे कई कार्यों का जायजा भी लिया। राज्यपाल ने अधिकारियों को रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। आईजी ट्रैफिक बसंत रथ का जलवा एक बार फिर जम्मू की सड़कों पर देखने को मिला। दरअसल बसंत रथ पिछले कई दिनों से कश्मीर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगे हुए थे। वहीं बसंत रथ के जम्मू पहुंचने पर उनके फैंस में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जम्मू लिंक्स न्यूज से बात करते हुए आईजी ट्रैफिक बसंत रथ ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनका काम करने का अपना तरीका है और उन पर किसी का दबाव नहीं है और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू के छन्नी हिम्मत स्थित एक मोबाइल की दुकान पर चोरों ने सेंध लगाई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चोर करीब 15 लाख के सामान पर हाथ साफ करके फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 6 महीनों से हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट में हुई डील से नाराज जम्मू चैंबर ऑफ ट्रेडर्स ने विरोध जताया। नाराज व्यापारियों का कहना था कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट में हुई डील से उन्हें भारी नुकसान होगा। सोमवार को नौशहरा में पुलिस ने वजीर खान और उसके बेटे को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नौशहरा में संदिग्ध दिखने के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रियासी जिले में नेशनल हाईवे के किनारे शौचालय बनवा डीसी रियासी ने एक नई पहल की है। डीसी रियासी ने बताया कि स्वच्छ भारत के तहत जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।